वाली क्लिप में कि मेरे को जान से मारने की साजिश हुई थी, वो ट्राइसी बड़े एक्सरसाइज में योर कातिल। जस्ट अभी कमेंट पढ़ रहा था, देख लो 9.9 की एवरेज दे रही है सिटी के अंदर ये फॉर्च्यूनर। मैं सोच रहा था 10-11 की देगी। हाँ मतलब 10-11 तो दे ही रही है, हाईवे पे थोड़ी सी ज्यादा दे दे वे, तो एवरेज के मामले में ऑल गुड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई सीन ये था, कल सर दर्द हो रहा था तो मैं सो गया था जल्दी, सुबह 8 बजे आंख खुली, फिर एडिट करके मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया। तुम मेरी डेडिकेशन पे कोई शक मत करना है ना, वैसे करते भी नहीं होगे, तुम्हारा कौन सी गाड़ी आगे पीछे अजीब सी। ठीक है, तो भाई उसके बाद पापा का फोन आया मेरे पे कि खाना लेके प्लाट पे आ जा भाई। तो मैं प्लाट पे अभी पापा तक खाना देख गया। जब पापा सामने हो तो मैं पता मैं व्लॉगिंग बहुत ही मुश्किल करूँ ना के बराबर से ही करूँ, तो भाई वहाँ तक निकलती मैंने कैमरा उठा लिया, तो बोल दिया वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। तो अब जा रहा हूँ मैं वापस घर पे, भूख लग रही है, कल रात तक कुछ ना खा रखा, घर जाकर खाना खाऊंगा और लेऊंगा मौज। और एक भाई आ रहा है मेरे से मिलने, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं बेसिकली, तो उनसे भी मिलवाऊंगा। काफी दूर से आ रहे हैं, मतलब रोहिणी से आ रहे हैं मिलने घर पे, तो उनसे मिलवाऊंगा भाईयर से। और कल मेरा शूट है, उसकी तैयारी करनी है, सारी चीज दिखाऊंगा कि शूट में कैसी कैसी क्या तैयारी चल रही है, कैसे कैसे कौन सा कैमरा है, कौन कौन लोग आएंगे, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, ओके। जैसे मैं घर आया मेरे को मिला, ये आपने हाथ से बनाया? हाँ, मैंने। ये तो अभी अभी वैसा भी लग रहा, थोड़ा थोड़ा गीला गीला सा कि अभी अभी ताजा ताजा सा। तो भाई थैंक यू सो मच इसके लिए, मेरे को मतलब स्केचेस बनाते रहते हैं, ये मेरे को कभी किसी ने नहीं दिया। अच्छा इसकी लो भाई, इनकी ले लो, तो वीडियो में बालक डर रहे हैं। लो जी, थैंक यू सो। आपने बनाया है? बनाया तो इनने ना। हाँ, दीदी ने बनाया है। एक ही बात है, वो सोल कॉपी आर्ट है दीदी का चैनल। अच्छा ये चैनल भी है इनका? हाँ। लो भाई चैनल भी देख लो इनका, सोल कॉपी आर्ट, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। देखो भाई तुम्हें पता है मैं टैलेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, जैसे अपने आपको सपोर्ट जैसे अपने आपको सपोर्ट करता हूँ। बहुत प्यारे बच्चे गए अभी यहाँ से, ये पेंटिंग बना के गए, मतलब कि दिल खुश हो जावे जब कोई, मतलब जैसे लोग मेरा स्केच बनाते हैं ऑनलाइन, मैंने देखा इंस्टा पे भी देखा है, देने भी आते हैं घर पे, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी पेंटिंग देख गई, बहुत मेहनत का काम है, अगर तुम खुद बनाने लगो ना भाई नूंद में कि भाई पेंटिंग बना दी, भाई बहुत मेहनत का काम है, मेरे से नहीं बनती, तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है जेस्चर जो ये बच्चे करके गए अभी, थैंक यू सो मच भाई। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ऑफलाइन बोल चुका, और जो 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 लोग मेरे घर पे आते हैं उन सभी को धन्यवाद दिल से। हाँ हाँ, कहाँ चप्पल लेके, कहाँ चप्पल? मम्मी की चप्पल है, इनकी मम्मी की पहन रहा हूँ मैं चप्पल, आपने ना पहन रखा? ओह लो, अरे जुराब में कैसे कांप रही है ये दीदी, मेरे से बेकार चप्पल मेरी मारेगी फ्लैट में ना, क्रॉक्स तो मेरे बाहर पड़े हैं। बाहर क्यों छोड़ दिए तूने फिर? मैं कह रहा हूँ क्या बना रखा खाने का, मैं ना बताऊँ जब कुछ और बनाऊ जब, तो तू ना पूछे, मैं आज खट्टा का बना रखा था। ओह शिट, आपने फिर से साग बना रखा है यार, ये 3 दिन पुराना है और नया ला, मेरी कसम। ओह मुझे कहीं तो ठाके लाए थे क्या? मुझे कहीं तो ठाके ना लाए थे ना, आपका यू ना, तो ये क्या कर रहे हो मेरे साथ, दो दो दिन पुरानी सब्जी तो इतने साग में की करूं? ना 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 ना, दूर हो जाओ दूर हो जाओ दूर हो जाओ दूर हो जाओ। पहले मुझे लगता था कि मेरी और मम्मी की शक्ल मिलती है, बट अब मेरे को ऐसा नहीं लगता। अलग भाई में मुझे लाए कहीं से, ना ना मेरे गैल मत लगो भाई साहब, दो मैं कसम ना चढ़ाऊं ते खुआ दे मुझे। पहली बात तो आपने कुछ ना बना रखा, आज भी कल भी और परसों का है, तो परसों बना रखा था, कह रही जिस दिन मैं कुछ नहीं बनाती उस दिन मुंह पे खड़ा हो जाता लेकिन। अरे कल ही तो नोता था, आज तो नहीं है, सुबह सुबह ना, पहली बात तो 12+ हो रहे हैं, पूरी बात तो सुन लो, 12+ हो रहे हैं टाइम भाई। मम्मा ऐसी बात नहीं चलेगी भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस घर के अंदर, अगर कोई मुझे गोद लेना चाहता तो मुझे ले सकता। हाँ जेन्युइन जेन्युइन ना। नहीं भाई नहीं भाई नहीं, मेरे तो ना आई बना, अभी चटनी तो बना दे, नूनी की है, नूनी की है, चटनी बना, छाए चटनी रोटी खवा दे बस, देख लो कितना अच्छा लड़का हूँ मैं, छाए चटनी रोटी खाने को रेडी होगा। पर मक्का भाई 2 दिन पुरानी सब्जी हमारा है, वो कल मेरे सिर में दर्द हुआ, कल मेरे जो सिर में दर्द हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है वो साग की वजह से हो रहा था, जो मैंने मम्मी का साग खाया ना वो पुराना फूड पॉइजनिंग। अरे यार मम्मा आपने मेरा फूड पॉइजनिंग कर दी भाई, सोचनी चाहिए आपने चीज। तो उन्होंने पापा तेनु कहते पालक मेथी ना लेके आवे यार रोज की रोज, मैं किसी तो दिन भी जी ना करे साग, मैं खुद ही बना, कंजूस भी तो है। कोई बात नहीं गाइस, एक बार मैं जरा ताजा खाना खा लेता हूँ, आज जरा ताजा खाना खा के मैं वो बताता हूँ रिव्यू की कैसा, घाटा तो मुझे ताजा खाना खुआवे कह के भाई, ये घाटा वाले मुझे ताजा खुआवे यार, मेरी मम्मी खुद की। अरे किस अज्जू तो भी लड़ूंगी मैं, क्यों है रोज रोज चाय पियानी सिखा दी, चाय पियानी सिखा दी, खुद तो पुराना खाना खुआना सिखावे। ठीक है भाई ठीक है, गाइस सुन लो भाई बहुत परेशान हूँ मैं भाई, मैं इसकी बात कर रहा था, यो अपनी रोटी, यो चाय है दूध है, अरे दूध दे दिया आपने तो, अरे यार चाय की ले, चाय की बिना आटकी नहीं करी, चाय ना दूं चटनी।
तो भाई जो मैं कह रहा था मेरे से मिलने आ रहे जो लोग वो ये लेके आए भाई के लिए खाने पीने का सामान मस्त वाला। थैंक यू सो मच इसके लिए। मैं उनको ब्लॉग में नहीं ले पाया, उसके कुछ रीजंस थे पर्सनल। और अब सीन ये है सामान वामान, अरे क्या लग रहा है सामान, अरे निकल गया, देखा निकल गया अभी। तो भाई अब सीन ये, मैं और मम्मी जा रहे फ्लैट में, पीछे हो रही है पैकिंग वगैरह सारे बैग बुक लेकर, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ यहाँ पे, और अरे फिर टकरा कुछ यार, और फिर जा रहा हूँ मैं फ्लैट पे क्योंकि वहाँ पे कुर्सियाँ आने वाली है, जो ट्यूशन टीचर वाली मेरी जो सूट है उसमें कुर्सियाँ चाहिए होती है ना बैठने के लिए, जहाँ पे ट्यूशन पढ़े गए बालक, तो भाई कुर्सियाँ मंगा रखी है, उन्हें रिताऊंगा वहाँ पे अपने ऊपर चढ़वाऊंगा, साफ सफाई होनी है फ्लैट की। तो रेडी मम्मा? तो जल्दी मैं गाड़ी मोड़ कर आ रहा हूँ, सामान सामान पैक करके अपने रेडी रखो। चलो गाड़ी का नंबर सामान रेडी हो चुका भाई है, बीच में मेरे कपड़े धरे हैं, पीछे डिग्गी में भी तुम्हें सामान ना दिख रहा, वो बैग दिख रहा छोटा सा है, मेरा लैपटॉप का बैग धरा, मम्मी आ रही है एक बार घर का लॉक करके, पापा है ना, पापा पलाट पे, वैसे मैं क्यों ही बता रहा हूँ, चोरी ना हो जाएगा तो पीछे से डिग्गी के अंदर। यो मेरी मम्मी आ गई है, जल्दी बैठो, यो के लेगा डोली में दूध, बैठो। हाँ भाई फ्लैट पे यार कोई हमने दूध देने लगा रखा ना यहाँ पे, अब बेल्ट लगा लो ना, टूट बजे रखा, पर कल देखा जाओगा थैली का दूध अच्छा, थैली का दूध इज नॉट गुड, ठीक है अपने दूध ये लगाओ, भैंस का दूध इज नाइस जो सीधा भैंस से आता होगा, क्या क्या फर्क रहा बताओ ना, थैली के दूध में भैंस के दूध में उसमें, देखो लफंडर बालक भी तो आ गई, इन्हें चले जाना, ये किस पे चढ़वा दी मेरी गाड़ी, राम राम भाई राम राम, अभी एक बार छो चढ़ गया था बट वहाँ का भाई अपने, गाड़ी मेरी कहीं चढ़ गई थी बट कोई बात नहीं। तो भाई अब जा रहे सीधा फ्लैट पे, एक बार मेरी दाढ़ी मूछ तो देख लो, अभी जब मैं सेट करवा के निकलूंगा तब तुम कहोगे अलीस भाई तुम इंसान लग रहे हो यार। मिल गया पर्स? हाँ, मिल गया है, आधे रास्ते तक वापसी मुड़वाई जो मेरी गाड़ी इस पर्स के चक्कर में, क्या है इस पर्स में ऐसा, अरे फोन भाई, वाह इतना लेट हो रहा था मैं, और मम्मी भी, मम्मी तो चलो क्या ही लेट हो रहे, मैं इतना लेट हो रहा था, आधे रास्ते तक गाड़ी मुड़वाई, इन्हें कह रही कि मेरा यार वो पर्स भूल गई मैं, मैं पर्स कौन भूलेगा, हम तो ना भूलेगा भाई अपना पर्स, अरे मुझे अपने बेटा के ऊपर बहुत गर्म महसूस हो रहा है पता तो ना, पर अच्छा था आज गर्म महसूस हो रहा, कल रैपट मार रही थी मेरा यार सुबह, तो वो खा रही थी सब्जी, मम्मी आपकी बात मैच नहीं होती यार, हैं आपकी बातें मैच नहीं होती, एक टाइम को नू कहे कि भैया वो सब्जी बेल्ट लगाओ पहले, एक टाइम को नुकाव है कि सब्जी पुरानी देवे और दूसरी बार को नुकाव मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। चलो कोई बात नहीं, फ्लैट पे जाके बात करेंगे आमने सामने बैठ के। भाई मम्मी को फ्लैट पे छोड़ दिया, छोटे छोटे बालक आए थे अभी मिलन, मिल भी ना पाए, मैंने बहुत दुख हुआ जब कोई छोटा बालक मेरे से दूर जावे ना, मुझे यार छोटे बालक बहुत पसंद है यार, कोई छोटे बालक दे दो तो भाई अब सीन ये यार, मैं ना कभी कभी थोड़े ना वैसे जोक मार देता हूँ थोड़े डार्क वाले, तो कई लोगों को समझ ना आते होंगे बट मुझे मेरे समझ में आ जाए, मुझे खुद हंसी आ जाए उन चीज़ों पे। तो भाई मैं जा रहा हूँ बाल और दाढ़ी सेट करवाने, ये दाढ़ी ये जो है ना, माँ ने कह रखी मेरे, तुमने इसने कटवा लिया है, इस कई लोगों ने कह दी इसने कटवाओ भाई, मैं कहा यार आज कटवा के यार साढ़े आज इसका नाश पीट दूंगा, बाल कटवाने जा रहा हूँ, दाढ़ी सेट करवाने जा रहा हूँ, मम्मी गई है ऊपर काम वाली बुला रही है सफाई सफुई करने के लिए, तो भाई फ्लैट साफ, इतनी देर में कुर्सी आ जाएगी, सारी चीज़ दिखाऊंगा, शूट की तैयारी चल रही है भयंकर। जल्दी से कमेंट मार के बता दो जल्दी से कि तुम्हारा भाई इंसान लग रहा है नहीं लग रहा, बाल देख लो, मालिश भी करवा ली आज तो मैंने, हेड मसाज जिसे कहते हैं, और ये नीचे की भाई माँ देख रही हो तो ये देख लो नीचे से कम करवा ली मैंने, बहुत ज्यादा मैं नॉर्मल इंसानों की तरह आ चुका हूँ, वापसी कल छूट है इसलिए कटवाना पड़ा मेरे को, सजा रहे कहाँ हैंडल करने चलागा भाई, कल छूट है इसलिए मेरे को, समझ रहे हो ना भाई, दूसरी वीडियो है तो थोड़ा अच्छा सा बन के रहना पड़ता है, तो सही लग रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो बाकी एक बार घर जा रहा हूँ एक चीज उठा के लानी, फिर जा रहा हूँ वापस फ्लैट। भाई टाइम देख लो, टाइम हो रहे हैं 3:59 मतलब 4 बजने वाले हैं, मैंने निकलवा लिया स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट, 2 प्रिंट आउट निकलवा लिए, और भाई मैं निकल लिया हूँ अपने ऑफिस के लिए, मतलब ऑफिस और जो फ्लैट में बोलते ना सेम चीज है, क्योंकि जो हम वीडियो शूट करते हैं ना वहीं पे करते हैं, वहां पे जाके एक बार नहाऊंगा, उसके बाद 6:30 बजे से चले जाऊंगा जिम, सीन था मेरा बैडमिंटन का भी, बट यार बैडमिंटन का ना सुबह ही करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि शाम को बिल्कुल भी मतलब क्या, तो जिम कर लो या बैडमिंटन कर लो या फिर कुछ और काम कर लो, ये तीन चीज इकट्ठी नहीं हो सकती, दो चीज हो सकती, तो भाई व्लॉगिंग और जिम को मैंने चूज करा, जिम जरूरी है, सुबह का अगर मेरा सीन बैठता है सब्जी वाले अंकल निकल जाओ, अगर सुबह का मेरा सीन बनता है बैडमिंटन का तो ही हो पाएगा, नहीं तो भाई बहुत मुश्किल है, वो कोर्ट ही बंद हो गया, दूसरा जो कोर्ट ढूंढा उसमें सुबह का सीन करना पड़ेगा। डीपी भाई क्या चल रहा है, ये अमरूद कैसे चल रहा है, अमरूद है क्या, अमरूद ना बर्फी है, अच्छा बर्फी खा रहे हो क्या, मुझे ना अमरूद खा रहे हो, मका मेरे ते ना देओ अमरूद, खुद खुद बर्फी भी कहां दी है मेरे ते खुद खुद खा जावे डोले साथ में बाहर खा दे, अरे डोलू थोड़ी हूं, बाल कटवा के आया हूं, कैसा लग रहा हूं मेरी शक्ल देख के तो बता दो प्लीज, हैं और नजर तार दी हाथ ते और फिर मेरे सिर में दर्द, तो भाई अभी चाय बन रही है, ये इसमें मीठा कैसा है, जोर जितना बहुत ज्यादा, चलो भाई मैं तो चाय, मैं ना घर तूने घुसन ना देगी घर में, अरे ना ऐसी ना है भाई, अब सीन ऐसा देखो मैं तो जब घर होता हूँ ना मैं तो चाय पीता नहीं, मम्मी अकेली अकेले की है ना चाय, हो अकेली मम्मी पीवे, मैं जाऊँ सिर्फ जोड़ के तब पीऊँ चाय, उन्हें पीने सिखा दी तेरे, कोई बात नहीं दारू पीनी तो ना सिखा रहे जो आप सिखाते हो मेरे को, बीड़ी पीनी दारू पीनी गुटखा खाना ये सिखावे मुझे सारा दिन,
एक बार मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद रेडी होकर निकलता हूँ जिम, क्योंकि जिम मैंने ज्वाइन कर रखे, देखना साइड कट मस्त लग रहा ना, तो जिम शुरू कर रखे तुम्हारे भाई ने, अभी नहा धो के अपने जिम जाएंगे और अपने कसरत करके मौज मान दूं, दही बना दूं 2-4 महीने में। भाई कुर्सी मैंने मंगा ली है, मेरे पीछे तागी कुर्सी, मतलब मैं थानी फ्लैट पे, कितनी कुर्सी है मतलब 10 मंगाई है, 10 कुर्सी है, देख लो भाई ये लगेंगी यहाँ पे। ये अपना ट्यूशन सेंटर, मतलब जो पिछली बार भी देखा होगा तुमने सेम ट्यूशन सेंटर है, यहाँ पे कुर्सी बिक जाएंगी यार, यहाँ पे लगेगा, इस बार लगेगा बोर्ड। मैं क्यों ही बता रहा हूँ, तुम वीडियो में देखना यार, है ना, सारी चीजें अभी बता दूंगा, तुम कहोगे भाई सारी चीज तो लीक करके ले। ऑल सेट में कैसा लग रहा हूँ, जवान जवान से ऐसा लग रहा है जैसे अभी फौज में भर्ती मारूं, मतलब फौजी टाइप सब बढ़िया था कूल। तो भाई अब सीन ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ जिम में, मम्मी वो सिपर दे रही है क्योंकि जरूरी है ना सारी चीज़ें जिम में, साथ साथ खाना पीना, ग्लूकोन डी पीना, दूध पीना, सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें होती है ना। तो भाई नहा धोकर रेडी होकर मैं निकला जिम को, यहाँ पे बढ़िया चांदना है, देखियो क्या बढ़िया कटिंग हो यार, मेरे पिंपल होगा साड़ा, ये निशान छोड़ देगा भगवान का, अगर मैंने इसे छेड़ा थोड़ा सा और। तो भाई देखो तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, कटिंग देख लो ऐसी लग रही है, सही लग रही है बेसिकली। तो अब मैं जा रहा हूँ मज्जू के पास, वहाँ से जाएंगे जिम, जिम में मार आएंगे कसरत और उसके बाद करेंगे अपनी अगली वीडियो की तैयारी, मतलब स्क्रिप्ट में चेंजेस। भाई वीडियो के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरा एक सीज़न आया था ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार, और ये वाला जो मैं वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ इसका नाम है ट्यूशन टीचर की बीवी से प्यार। समझ रहे हो कितने मतलब आगे बढ़ चुका हूँ मैं, बेटी से बीवी पे पहुँच चुका हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, इसमें बहुत मजा आने वाला है तुम्हारी कसम, बहुत दिल से लिखी ये वाली सीरीज, बहुत मजा आने वाला है मेरे हिसाब से। कल शूट हो जाएगी तो 2 दिन लगेंगे शूट में, मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी वेब सीरीज आ जानी चाहिए episode 1। तो भाई तुम्हें आ जाएगा स्वाद, मजा आ जाएगा, बट अभी चल रहे हैं जू भाई के पास और शरीर को मजा देते हैं, अपने शरीर को मजा देते हैं कसरत करके, अपना थोड़ी दही बनाते, बीच में सही सा होगा था, पर जब टाइफाइड हुआ ना फिर मैंने छोड़ दिया, मैं अब दोबारा चालू करूंगा फिर से। सो गाइस जू भाई यहाँ पे पहुंच चुके हैं और खुद चाय पी रहा है, मेरे को चाय नहीं दी, सॉरी है योरी चाय, और मम्मी आज फिर धमकाएगी, कह रही तुम चाय पीनी सीख ली, मैं घर ना चाय पी करूँ भाई चाय, तुम चाय तो पिला कल थोड़ा पिला रहे यार कुछ, वही मैं कह कहा मैं दारू थोड़ी पिला रहे मुझे। तो भाई ये चाय है, आज चाय का मीठा वैसे मैंने टेस्ट कर चुका, पर फिर भी मैं सबको दिखाऊं जैसा रोज हूं, एक बार दोबारा दिखाता हूं भाई। टेस्टिंग के लिए रेडी हो चुकी चाय, अब मेरा कम हो गया तेरा ज्यादा है भाई, चाय अपने में कल 2% ज्यादा थी, आज 3% ज्यादा है, मतलब मैं ज्यादा सच में ज्यादा मेरे को लग रही है, तुम्हें भी ज्यादा लग रही है, ओ फिर तो बहुत ही ज्यादा है, मैं खुला बोल रहा हूं भाई बहुत ज्यादा है। पर पी लाएगा बढ़िया, अभी से पीऊंगा और फिर जिम हो पाएगी ना हो पाएगी, इतना मीठा पी गए, यो भाई लेकर आया मेरे लिए ब्लैक कॉफी, इसके अंदर ब्लैक कॉफी डाल रखी है, नु कह रहा है इसे पीजो प्री वर्कआउट, प्री वर्कआउट तो ले रहा हूँ मैं गाड़ी में अलग से, चलो अभी ले लेंगे ना, अभी लेंगे चाय के बाद प्री वर्कआउट ले सके, कुछ भी ले ले, कुछ भी ले सकेगा, वहां चल रहे हैं फिर वो बैडमिंटन के रन, समझ रहे हो मत समझो। भाई पसीने ना आ रहे, इसका मतलब ये मत समझना कि मेहनत ना कर रहे, मेहनत पूरी चल रही है, बस पसीने ना आ रहे, क्यों ना आ रहे। गाइज मेरा मर्डर प्लान हो रहा है यहाँ पे, मेरी मसल तोड़ के मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है गाइज, अगर मैं वापस ना हुआ कल का व्लॉग ना है तो ये समझना कि जिम में मुझे मार दिया, मैं सिर्फ डंबल मार के यू कर रहा प्लानिंग भाई मेरे खिलाफ, अज्जू गुजर घाटा से यो प्लानिंग कर रहा भाई मुझे मारने की, अभी अभी देखो सौदे स्वास्थ्य के इतने भारी भाई भाई जिम तो बाहर निकल चुके हैं, और जैसे मैंने आपको बता दी पिछली वाली क्लिप में कि मेरे को जान से मारने की साजिश हुई थी, ट्राई सी बड़े एक्सरसाइज में, योरा कातिल ये चाह रहे मेरे मुंह पे वेट रख के मेरी शकल बिगाड़ दे और उसके उसके बाद में छाती रख के मेरा हार्ट रोक दे, हार्ट फेल करवा दे भाई, बहुत गलत बात है भाई यार, एक तो बढ़िया से एक्सरसाइज करवाए भाई, मजा आगा जेन्युइनली, बढ़िया मजा आगा, आज भी हमने मिक्स करी है, मतलब सेकंड डे ऑफ मिक्स, कल भी मिक्स करें, कल तो शूट है मेरी, तो शूट है तेरी, परसों तक कौन सी करेंगे, परसों तक हम भरें डबल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट मतलब जो भी है पता ही क्या करवाना, ठीक है वो हम करने वाले लोग, हम करने वाले, मेरे तो बता दे भाई यो करने है, मैं वही कर दूं बात खत्म। अब आ गया जू भाई के घर पे, मेरी गाड़ी में गए थे, तो अब एक बार ऊपर चल के 2 घूंट मार लेते उक्के की और फिर चलते घर, घर चलेंगे रोटी खाऊंगा भाई, नहीं भाई वहां बन रखी है रोटी घर पे यार, ये तेरे घर ही है भाई, यो भी घर ही है, मम्मी तो आज कह रही थी आज सुबह तो रोटी ना बनाई, कह रही की मैंने की खाटे का साग, पुराना खाटे का साग खुआन लग रही, मैं फिर मैंने की चटनी बना दो, कही वहां भी तो खा है तू, मैं कहा वहां तो नहीं खा खाऊ मैं नई सब्जी, तो रात में सही नहीं सुखाऊ भाई। ओके गाइस भाई नई चीज देख लो, अंडे उबालने की मशीन भी है इन पे है, कितने अंडे उबाल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7 अंडे उबाल रही है एक बार में, कितनी देर में उबाल देगी वो, 12 मिनट 12 मिनट में ये सारे अंडे उबाल देगी, पानी बहुत कम ले रहे हो,
कितना पानी लेवे? स्टीम करा थोड़ा सा लेवे मतलब इतने से पानी में 7 अंडे उबाल लेवे भाई वाह। और अपना बंद हो जाएगी मशीन का नाम ना बताऊंगा। अच्छा दिख गया क्या? ओ सॉरी भाई यो ये बढ़िया चीज भाई। आज अपनी मम्मी से डांट खाने से बच गया हूँ मैं, क्योंकि अज्जू करके नहीं खा के आया। मम्मी ने बना रखा घर पे पुलाव। मैंने कि इन्हें खूब कह लूंगा भाई खाना खा के जमा कर। नहीं भाई मम्मी ने बना रखा आज पुलाव और अपने दही रहा है तो जो भी बना रखा हो कैल वो खाएंगे। व्लॉग को करते गाइस यहीं पे खत्म। यही थी मेरी दिनचर्या। व्लॉग पसंद आया तो भाई को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करते तो मैं दो बार बोलता हूं सब्सक्राइब कर दो है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और फिर हो जाएंगे भाई व्लॉग करेक्ट 12 बजे। कुछ भी कर लो समझ लो, कुछ भी कर लो, चाहे मेरा सूट हो चाहे सुनामी आ जाओ। सुनामी भी आ जाएगी ना तुम दिखाऊंगा गाइस, सुनामी आ गई पूरा सिस्टम दिखाऊंगा। तो भाई ऐड कर लो तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को गाइस। ठीक है ओके बाय।